नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि चार सॉकेट और चार स्विच का कनेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो है ये जो डबल स्विच दिखाई दे रहा है, इसका जो है दोनों टर्मिनल जो है आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसको हम जो है नीचे लाएंगे और ये जो स्विच का दोनों टर्मिनल है इसको जो आपस में हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर स्विच के जो दूसरा टर्मिनल है, स्विच का पहले जो इसमें अलग अलग स्विच है, अलग अलग स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ जो है हम इसमें जो है इस वाले सॉकेट में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इस स्विच से इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, फिर इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे, फिर इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से जो है हमारा ये जो है हमारा लाइन का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो है हम न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा दिखाई दे रहा है ये है न्यूट्रल का कनेक्शन। तो यहाँ से हम ब्लैक कलर वायर जो है लाएंगे, इस सॉकेट की इस टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से लाएंगे और यहाँ से इन चारों जो है चारों सॉकेट में जो है हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूट्रल और ये हमारा हो गया लाइन, ठीक है। इस प्रकार से अब जो है हमें इस बोर्ड से दो वायर निकालना है। तो पहला वायर जो है हम कहीं से निकाल सकते हैं, न्यूट्रल का वायर यहाँ से कहीं से निकाल सकते हैं। तो हम इसका वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूट्रल वायर। अब जो है हमें लाइन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो लाइन का वायर निकालने के लिए यहाँ जो है यहाँ से हम ऐसे करके इस वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया लाइन का वायर। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।